हाय, अगर आप बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हैं तो आपको जरूर पता होगा टी सीरीज कितना बड़ा नाम है। पर क्या आप जानते हैं इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर टी सीरीज का कब्जा 60% से भी ज्यादा है। और इंडिया में ही नहीं बल्कि टी सीरीज 24 से ज्यादा कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट करता है। इनका इंटरनेशनल रेवेन्यू है 4.2 मिलियन से भी ज्यादा। और टी सीरीज का यूट्यूब चैनल दुनिया में सबसे देखे जाने वाला चैनल है। और ये कुछ ही दिनों में बन जाएगा दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल। टी सीरीज क्रॉस कर लेगा प्यूडीपाई को। तो इस वीडियो में हम देखते हैं हाउ बिग इज टी सीरीज। अगर आप शेयरिंग इट पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि आपको मिलते रहे शेयरिंग इट की सारी नोटिफिकेशंस। टी सीरीज के फाउंडर थे गुलशन कुमार। इनका जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और इनके पिताजी की एक जूस बेचने की दुकान थी दिल्ली के अंदर। गुलशन कुमार अपने स्टार्टिंग के लाइफ में वहीं पे जूस बेचा करते थे, पर कुछ समय बाद इनकी फैमिली ने एक नोएडा में शॉप खरीदा जो कि बेचने का काम करती थी कैसेट्स और म्यूजिक लेबल। यहीं से शुरुआत हुआ गुलशन कुमार के म्यूजिक कंपनी का। गुलशन कुमार ने एक कंपनी खोली जिसका नाम था सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज। ये एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी थी जो कि नोएडा में म्यूजिक बनाती। जैसे जैसे इनका म्यूजिक प्रोडक्शन बढ़ा वैसे ही इन्होंने अपना म्यूजिक प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया मुंबई के अंदर। और 1980 के अंदर इन्होंने टी सीरीज की स्थापना की। स्टार्टिंग के दौर में गुलशन कुमार ने अपने खुद के म्यूजिक प्रोड्यूस किए, उसमें बहुत सारे हिंदी वर्जन्स थे। और उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का। इसके बाद 1990 में टी सीरीज की सबसे बड़ी हिट फिल्म आई जो कि थी आशिकी, जो कि आज भी फेमस है। इसके बाद टी सीरीज लगातार देती गई एक के बाद एक म्यूजिक हिट्स और टी सीरीज का नाम बढ़ता ही चला। पर 1997 में अंधेरी मुंबई में गुलशन कुमार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद टी सीरीज की बागडोर संभाली उनके बेटे भूषण कुमार और उनके भाई कृष्ण कुमार। टी सीरीज आगे बढ़ता गया और उन्होंने बहुत सारे हिट फिल्म्स प्रोड्यूस किए। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2006 में खोला था, पर उन्होंने अपना फर्स्ट स्टूडियो पब्लिश किया 2010 में, जो कि अक्षय कुमार के पटियाला हाउस का एक वीडियो था। और दिसंबर 2017 में गुरु रंधावा का लाहौर का म्यूजिक पब्लिश किया गया टी सीरीज के चैनल पे, जो कि अब तक टी सीरीज का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजिक वीडियो है। और अगर आज की बात करें तो यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है टी सीरीज। और कुछ ही समय में और कुछ ही दिनों में टी सीरीज बन जाएगा दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल। टी सीरीज क्रॉस कर जाएगा प्यूडीपाई को। 2013 से प्यूडीपाई है मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर और उस टाइम पे टी सीरीज के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो आप समझ सकते हैं टी सीरीज ने कितना ग्रोथ किया है इन सालों। तो अभी हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया टी सीरीज को ग्रोथ करने के। भूषण कुमार एक नए जनरेशन के आदमी थे, उन्हें पता था यूट्यूब का पोटेंशियल कितना है और यूट्यूब पे कैसे पैसा कमाया जाता है। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया अपना यूट्यूब चैनल बनाने का और उस पर वीडियो पब्लिश करने का। और देखते देखते उन्होंने यूट्यूब पे पूरा चैनल का सर्कल बना लिया। इसमें बहुत सारे रीजनल चैनल्स हैं और वो बहुत सारे गाने सारे लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं, तो टी सीरीज की इनकम यहाँ से भी होती है। अगर आप इनके हार्डवर्क और इनके लक को छोड़ दें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन्हें बहुत हेल्प किया ग्रो होने। 2016 में आया था जियो, जिसने इंडिया के हर एक यूजर के हाथ में दे दिया 4G सिम और एक स्मार्टफोन। तो उससे उन्होंने क्या किया, टी सीरीज के वीडियोस देखे। जी हाँ दोस्तों, टी सीरीज के इतने पॉपुलर गाने थे कि सब लोग उन्हें बार बार देखते गए और इससे उनका सब्सक्राइबर्स और उनके व्यू काउंट बढ़ते चले गए। इसलिए टी सीरीज है इंडिया का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल का मोस्ट व्यूड चैनल। और एक फैक्टर है इनके ग्रोथ का, ये लोग अपने हर एक वीडियो पे थंबनेल लगाते हैं कि इनको इतने व्यूज के ऊपर मिले हैं, जो कि यूजर्स को आकर्षित करता है और उन्हें देखने पे मजबूर करता है। पर ये लोग थोड़े से और भी होशियार है, अगर कोई वीडियो पे 550 मिलियन व्यूज आ रहेंगे तो वो उन्हें बढ़ा के कर देंगे 600 मिलियन व्यूज, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके इस पे आने ही वाले हैं 600 मिलियन। क्यों ना हम पहले से ही बता दें कि व्यूअर्स को इस पे इतने व्यूज है, तो इससे उन्हें और व्यूज मिल जाते हैं। और अगर आप टी सीरीज का ये लंबा सफर देखें तो ये बहुत ही सुहाना सफर है और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है।
कहाँ जूस बेचने की दुकान से लेके यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल और सबसे ज्यादा व्यूड चैनल। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं और भी सुझाव सजेशंस। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपने लाइफ को एंजॉय करें।